नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ ज्योति और आप देख रहे हैं JNI न्यूज। आइए रुक करते हैं खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर, जी हाँ, नजर आपकी होगी खबर JNI न्यूज की होगी। पावन तट पर बसा प्रतापगढ़ जनपद का मानिकपुर नगर क्षेत्र, जहां वर्ष में कई बड़े मेलों का आयोजन आयोजन किया गया। रामलीला मेला कमेटी की तरफ से सिद्धपीठ मां ज्वालामुखी देवी धाम से दर्जनों झांकियां निकाली गयी। सर्वप्रथम कमेटी के अध्यक्ष DK सोनकर व प्रबंधक शैलेश शर्मा ने कमेटी के पदाधिकारियों संग मेले का सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए मां ज्वाला देवी का दर्शन पूजन कर झांकियों को रवाना किया। झांकियों के साथ आगे आगे घोड़े चल रहे थे, उसके पीछे कमेटी के सभी पदाधिकारी व नगर के गणमान्य लोग चल रहे थे। पीछे मेला के संस्थापक स्वर्गीय चैल बिहारी श्रीवास्तव के फोटो के साथ प्रथम पूज्य देव भगवान गणेश जी की झांकी निकली तो सड़क के दोनों तरफ खड़े लोगों ने तालियां बजाकर स्वागत किया। झांकी अलीगंज चौराहे से होते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग से सभागंज चौराहे से नगर पंचायत कार्यालय के सामने से होते हुए बबनपुर होते हुए इंटर कॉलेज व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने से निकलकर GGIC के रास्ते लगभग 1:30 पर किलोमीटर का रास्ता तय करने के बाद दर्जनों झांकियां मेला ग्राउंड स्थल पर पहुंची, जहां कमेटी के पदाधिकारियों ने राम लक्ष्मण सीता हनुमान व भगवान शंकर भोलेनाथ की झांकियों का आरती उतार कर स्वागत किया। रास्ते में कई राजनीतिक दलों व स्वयंसेवी संस्थाओं तथा नगर पंचायत चुनाव के भावी प्रत्याशियों ने बड़े बड़े स्टॉल लगाकर झांकी के कलाकारों व नगर के प्रतिष्ठित लोगों को मेला माला फूल व अंगवस्त्रम से सम्मानित किया गया। इस दौरान पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे, जहां मानिकपुर थाना अध्यक्ष मनीष कुमार पांडे दलबल के साथ क्षेत्र भ्रमण करते रहे। JNI न्यूज लाइव से शहबाज खान की खास रिपोर्ट। आदाब, मैं हूं शहबाज खान, आप देख रहे हैं JNI न्यूज लाइव। आज हम लोग प्रतापगढ़ के मानिकपुर में खड़े हैं और आप देख सकते हैं कि आज यहां बालीवुड मेला है और इस मेले में दूर दराज से लोग आ रहे हैं और मेले को देखने के लिए, और न जाने लखनऊ, इलाहाबाद, कौशाम्बी, कड़े, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं मेले को देखने के लिए। आइए हम देखते हैं, यहाँ पर लगातार झांकियाँ निकल रही हैं और प्रशासन मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है। आइए हम देखते हैं। फिर मिलते हैं ऐसी ही और बड़ी खबर लेकर आपके साथ। मैं हूँ ज्योति, आप देख रहे हैं JNI न्यूज। अगर आपने हमारे चैनल JNI न्यूज चैनल को अभी तक लाइक शेयर नहीं किया, हमारे JNI न्यूज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।